सोच रहे कितनी मान लगती है ना। सही बोल रहा है ये। क्या सही बोल रहा है भाई, वो तुम्हारी भाभी लगती है। अबे श्रेया को मारो गोली, अपनी क्लास वाली विन्नी कैसी लगती है। अबे भाभी है वो तेरी और देव है तू उसका, और भाभी मां समान होती है। मैंने तो मान समान सुना था। तूने मेरी विन्नी को माल कैसे बोला? जब उसने मेरी श्रेया को गोली मारी तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो क्या बोल रहे हो, श्रेया भी तुम्हारी, विन्नी भी तुम्हारी, हम तो यहाँ फालतू बैठे हैं और तुम दोनों क्या देख रहे हो बैठे बैठे, मारो सालों को। बेबी आप कभी छोड़ोगे दीनी ना मुझे? बेबी मैं क्यों छोड़ूंगी आपको, आप इतने स्मार्ट हो, स्वीट हो, क्यूट हो, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी आपको। एक दिन सबका कटेगा, सबका सुन लो सारे, सबका कटेगा सबका। बेबी आप शाम को फ्री हो तो पिक करने आ जाओ। आपको जब पापा का फोन आएगा ना फिर मेरे को याद मत करियो। क्यों बीच में उंगली करना बात करने देगा? अबे ओए सुन, जब तेरे पापा का फोन आता है ना तो वो मेरी ही मारते हैं। अबे ओए मैं तेरे को इतने सारे चक्करों से बचाता हूँ, तू इस लड़की के लिए मेरे से ऐसे बातें करेगा, ऐसे लड़ेगा मेरे से? अच्छा सुन, आप से अपनी तशरीफ खुद ही बचाइयो और मुझे कभी याद मत करियो। ओए मैडम सुन, ये तेरी आंखों का जादू मुझ पे नहीं चलेगा। ओए इसे कह दे कि अपनी नजरें मुझ पे ना रखे। बस भाई आज आज के लिए बचा ले प्लीज। अबे साले तू मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं होता ना तो फिर बताता मैं तुझे। यार कमला पसंद बड़ा महंगा हो गया है, बड़ी महंगाई हो गई है। चलो अपने बच्चों से मिलके आते हैं। ये देखो इन बालकों को गुदगुदी कर रहे हैं, हम आओ बताते हैं गुदगुदी कैसे होती है। अरे हट जाना बड़वे, अरे हट जा बड़वे, हट जा, अरे हट जाना बड़वे, हट जा, हट जा, हट जा, रहने दे मत कर बड़वे, हट जा। अरे सर सॉरी सर। अरे भड़वा किसको बोल रहा था? अरे सर भड़वे हो रहा? नहीं सर, सर भड़वे तो ये सब बैठे। चुप एकदम, मार मार के पिछवाड़ा लाल कर देंगे तुम्हारा, सीट पे बैठ एकदम। अरे सर बैठ जाता हूँ मैं, बस पिछवाड़ा लाल मत करना। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, सर देखो ये झील सी नीली आंखें। आ गई माते, हम लगाए स्कूल तो आप कही है। अच्छा एक काम करो, निकल जाए ऐसे। अरे सर अगर ये बाहर जाएंगे तो हम भी बाहर जाएंगे। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा तुम्हारा मन तो मैं लगाता हूँ, पूरा मजा देता हूँ। अरे बुढ़वा घंटी बज गई, चलो बच्चों से तो मजे ले लिए हैं, अब जाके कमला पसंद खाते हैं। ये सब करने आते तुम यहाँ पे, थोड़ा पढ़ लो लिख लो, याश की तो बाद में भी हो जाएगी। अरे वो सुअर और चिमकांडी सी शक्ल के, तुम्हें ज्यादा हंसी आ रही है, भेजो भी कॉमेडी सर्कस में। चलो खड़े हो। ओफो ये तो कभी नहीं सुधरेंगे, चलो खड़े हो जाओ। Mm-hmm.
कितना सेक्सी लड़का है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। कह तो तू यार सही रही है, तेरे जीजू है तो बहुत ही स्मार्ट। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तू अपना रंग जोड़ रही है। हाँ सारी अच्छी चीजें तू ही रख ले, मेरे लिए तो कोई बना ही नहीं है। अरे हाँ हाँ मैडम, आई लव यू टू। ले आ गया तेरा वाला भी। जी मैं इस बंदे के साथ नहीं नहीं नहीं। से मिल के दिल का है जो हाल क्या कहे। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तौबा आगे क्या करूं। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो, चाहतों का मजा फासलों में नहीं, आंच बालू तुम्हें हौसलों में कहीं, सबसे ऊपर लिखा था। I love you baby, तुम जानती हो ना। अच्छा सुनो, मैं आपके लिए अपने हाथों से खाना बना के लेके आई हूँ, मैं देखी हूँ। हाँ जी। हेलो। हाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या? अरे प्लीज। अरे नहीं। अरे हाँ। बेबी मैं आ गई। वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मैं उसको इतना प्यार करती थी, लेकिन अब उसको नहीं पता कि मैं उसके साथ क्या कर सकती। अरे यार बिल्कुल धंधा मंदा चल रहा है ना, तो कोई सुपारी आ रही है ना कोई मदद आ रहा है। जब मालिक का यह हाल है तो हमारा क्या कद्दू कुछ होगा। बहुत मौज आ रही तुम लोगों को, ये गद्दी ऐसी थोड़ी मिल जाती है। बैठता तो टट्टी के ऊपर और शौक ना हो अबो वाले। ए मामू टेंशन नहीं लेने का, लॉकडाउन तो खुल गया है, अबू का धंधा एकदम मस्त चलेगा। तू सही कह रहा है बिड़ू। अरे मामू लॉकडाउन रहे ना रहे हमारा धंधा तो चलता रहता है। हेलो। हाँ जी मैडम, दो आदमी ओके भेज दूंगा, हो जाएगा काम आपका। ओए काम आ गया ओए। चूतिया साले, टट्टी धुलते नहीं और बंदे मारने जाएंगे। भाई सुन, हाँ। जो तेरी बंदी थी ना, ये कुछ गुंडे भेज रही है पिटवाने के लिए। भाई ऐसा हो नहीं सकता, मेरे से बहुत प्यार करती थी वो। अरे मैंने खुद देखा बातें करते हुए किसी से। हाय हाय। तो तुम में से तीला कौन है? मैं हूँ, क्यों क्या हुआ? वो तिलक तू ही है जिसे मेरी मैडम ने तेरे को टपकाने का ऑर्डर दिया। हाँ मैं हूँ। अबे क्या हो गया तुम दोनों को? मामू बहुत मारा यार उन्होंने, पिछवाड़ा तोड़ दिया मेरा। मामू मेरी के खादी छटका दी, मैं पिछवाड़े का बदला जरूर लेना। अच्छा बेटा ये बात है, अब मैं खुद जाऊंगा उनसे मिलने, देखूं तो जरा कितनी ताकत है। चल। भाई उसने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ यार मैं सोचता था उनसे बहुत सच्चा प्यार करती है, पर वो ऐसे ही नहीं निकली यार। चल भाई मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है। क्या हुआ तिलक, तुम इतना सैड क्यों हो?
नहीं यार कुछ नहीं। अरे बताओ ना। छोड़ ना। अरे मैं तुम्हारा हर बार साथ देती हूँ, तुम मुझे तो बता ही सकते हो। सही है। प्लीज बता दो। क्या कर रही है? क्यों क्या हुआ? नहीं यार कुछ। अच्छा बच्चू तो तू मेरे साथ ऐसा करेगा, तुझे तो सबक मैं सिखाती हूँ। अब तो एक गया। अबे ओ तू ये मिला? नहीं हूँ। क्यों क्या हुआ भाई? हुआ क्या है बताओ तो सही। ओए मेरा भैया बोला तुम पोटी पोटी करूँगा। अरे यार तुम कभी मुझे बचाती हो, कभी मुझे मारने के लिए गुंडे भेजती हो, क्या है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। हेलो मामू भैया से बात हो सकती है? हाँ। हेलो मामू भैया, क्या चल रहा है? आपके लिए काम आया है, एक लड़के को पिटवाना है। हाँ, और आप अपने गुंडे भेजे ना तो उनसे ये कहना कि मैडम ने बोला है। ओके हाँ ठीक है। अच्छा मुझे सब समझ में आ गया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? उन लड़कियों को हमारे बारे में बताया किसने? अरे वो तिलक की गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो तिलक को मारने की साजिश बना रही है। अच्छा सुनना, मैं तेरे लिए बहुत ही अच्छी खबर लेके आई हूँ। जल्दी बता। वो ना जो तिलक की गर्लफ्रेंड है ना, वो उसको मारने के लिए साजिश बना रही है। अब आया मजा, गुंडे मैं बुलाऊंगी और फंसेगी वो। Hey everyone, this side Rakesh. I'm the founder and CEO of Celebrity Face India. And guys, बहुत best opportunity आप सभी के लिए अपनी acting career start करने के लिए। Celebrity Face के back to back new web series आ रही है, school के best days आ चुका है, father and son की story आ रही है, मेरी ex एक already running है, 3-4 और web series में हम काम कर रहे हैं और उन सब पे आपको opportunity मिल सकती है काम करने की। यहाँ पे आपको day one से ही हम acting कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो, बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग मिस्टेक्स और सारी चीज़ें। हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में। सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से। फटाफट नीचे दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज में। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल, थैंक यू।